नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माँ के आपके स्वागत में। अब दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए हम मिठाई बनाते हैं बिना चाशनी के, बिना खोया के, झटपट बनने वाली और कोई बना ले आसानी से। मैंने लिया है मिल्क पाउडर, एक कटोरी मिल्क पाउडर एक कप के अंदर है, कटोरी से नापा है मैंने। और चीनी लेंगे हम, आधी कटोरी चीनी, कि हमारा मिल्क पाउडर जो मीठा है और आपका मिल्क पाउडर फीका हो, खा कर देख लेना तो आप बढ़ा सकते हैं चीनी। ये चीनी डाल दी मैंने और दो चम्मच के अंदाजा नारियल का बुरादा मिला लेते हैं। ये एक डेढ़ चुटकी मैंने लिए इलायची का पाउडर, हरी इलायची। बहुत जल्दी बनने वाली डिश है हमारी ये मिठाई, फटाफट से बन जाएगी। और दो कलर की बनाऊंगा, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मिल्क पाउडर मिल गया, चीनी, नारियल, नारियल का बुरादा लिया है मैंने, आसानी से मिल जाता है ये दुकानों पे, परचून दुकान पे। और ना मिला तो सुपर नारियल ऊपर से छील के काला छिलका हटा कर चाहे तो कद्दूकस कर रहे हैं, या फिर अपने मिक्सी में पीस लो उसको, पाउडर बना लो उसका बुरादा। अब इसमें दूध डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके, एक दो हमारा पतला ना हो जाए, फटाफट से बन जाती है। ना चाशनी बनानी नहीं कुछ करना, अच्छे से मसल लें। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करें। थोड़ा सा नारियल का बुरादा लेके हाथों से मसल लेते हैं, चिपक रहा है हाथ में। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई का। थोड़ा हाथ से निकल लेते हैं, डो हमारा बहुत अच्छा हो गया। ज़्यादा देर डो लगाते हैं ऐसे लगाना, ज़्यादा पतला नहीं करना है। आधे में मैं कलर डालूँ,
आप कोई भी कलर ले सकते हो। मैं पिंक कलर डाल रही हूँ, दो तीन मूल है। थोड़ा ढीला हो गया ना कलर डाला है, थोड़ा नाइफ का बुरादा बना लेते हैं इसमें। अंदर ही भरा मैंने, वैसे भी ड्राई फ्रूट बना सकते हैं इसमें। मैं डो को ऊपर से लगाऊंगा ड्राई फ्रूट। तैयार हो गए मैंने फाइल पेपर ले रखा है तो थोड़ा घी लगा देते हैं। लगा लेते हैं थोड़ा, बस ज्यादा पतला नहीं करना है। चौकोर से बना लें हाथों से, तो किनारे फट रहे हैं ना हमारे, किनारे से कर लें। थोड़े मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ, बादाम और काजू है। भरकर बनाऊंगे हम रोल, ये पिसते हैं अच्छा, फैल से उठाएं और आराम से ऐसे देखो मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा रोल बना लें अच्छे से, इतने बड़ी आसानी से बन गए एकदम। दूसरा बना लेते हैं, वैसे इसको साइड कर देते हैं। हाथ साफ करके हम दोबारे ले लेते हैं दूसरा, ये व्हाइट वाला डो लेते हैं अपना। घी डालना है और चाहे ब्रश से लगाओ, हाथ से उसने लगाओ नहीं चाहो तो। इसको बोल बेल लें, इसको थोड़ा बड़ा रखा देना थोड़ा, ताकि पीस वाला अंदर आराम से आ जाए। ऐसे घुमा लें, अगर नहीं उठ मटेरियल तो ये चॉकलेट सॉप में दे लें। जो रोल हमने तैयार करा ना इसको अंदर आ लेंगे इसके, इसको नाप लेते हैं कि बराबर रखना है ना हमें। इस तरह से एक डबल डबल की मिठाई ना हमारी, सरोवर तो बनाने पड़ेगा इसके, बहुत आसानी से बन जाएगा। पैक कर दिया दोनों साइड से, अब इसको ऐसे घुमाते हैं
और इसमें अच्छा था फ्री में कम से कम एक घंटे के लिए प्लेट में रख के एक घंटा हो गया मैं मिठाई को खोल लेते हैं इसको। वाह कितना बढ़िया हो गया, सेट हो गया एकदम से। हम इसको फिनिशिंग देते हैं। मैंने चांदी का लगाया इस पर, आपको दिखाना भूल गई हूँ, वीडियो में शूट नहीं हो पाया ना। वाह कितना अच्छा बना है। चक्कू साफ कर लें और थोड़ा तेज चक्कू लें, पहना हो अच्छे से। इतनी अच्छी लेयर बनी है। बहुत प्यारी मिठाई बनी हुई है, कितना प्यारा कलर आया है। बहुत अच्छी मिठाई बनी है भाई। ये थोड़ा मोटा करके दो पीस बनना है इसमें से। मेरा चक्कू ना खुट्टल है, ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बनी मिठाई, बहुत स्वाद है। एक बार जरूर ट्राई करें। जो ड्राई फ्रूट कितने अच्छे दिख रहे हैं इसमें भरे हुए। बहुत अच्छी मिठाई बनी है हमारी। बहुत आसान है, जरूर बनाए एक बार और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को। फिर मिलूंगा नई रेसिपी के साथ आपसे। कितनी प्यारी मिठाई बनी हमारी। कैसी लेयर खुल जा रही है, बहुत अच्छी मिठाई बनी है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। नमस्कार। ड्राई फ्रूट मैंने अंदर डाल के रखे हैं इसमें, अब मन करा तो और लगाओ।
नमस्कार। फिल्म लगने जसप्रीत साहब।